अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और व्लॉग के साथ आपका मेज़बान अज़हर अली हाज़िर है। आज बशो में हमारा दूसरा दिन है और इस वक्त हम मौजूद हैं बशो के जंगल में, जो कि बशो वैली से तकरीबन 20 मिनट की मसाफत पर मौजूद है। तो आसपास के आप खूबसूरत नज़ारे देख सकते हैं, बर्फ़ोश पहाड़, बिल्कुल बर्फ़ नीचे आई हुई है पहाड़ों में, और बादल भी आप देख सकते हैं काफ़ी नीचे आए हुए हैं, और उसके साथ ये प्यारा सा जंगल। तो शहर के माहौल से बिल्कुल दूर प्यारी सी जगह बशो वैली और यहाँ के खूबसूरत नज़ारे। इस जगह के बारे में मैं आपको बताता चलूँ, ये जो जगह है पहले इसे यहाँ पर चरागाह हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर पानी की कमी की वजह से अभी इस चरागाह को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है और अब सिर्फ ये जंगल ही बाकी है। और यहाँ काफ़ी पहले जो यहाँ के बुज़ुर्ग लोग कहते हैं कि इस जंगल में जब भी कोई बंदा यहाँ पर आता था तो वो बाहर निकलना उसके लिए काफ़ी मुश्किल होता था, क्योंकि काफ़ी घना जंगल था। लेकिन आबादी के बढ़ने की वजह से, आबादी बढ़ने की वजह से यहाँ का जंगल काफ़ी काटा गया और काफ़ी दरख्तों को नुकसान पहुंचाया गया, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक यानी कि जंगल कम हुआ। ये आप देख सकते हैं एक दरख्त, ये इस तरह काफ़ी दरख्तों का यहाँ पर कटाव किया गया है, और ये देखें जी नाज़रीन, तो जिसकी वजह से जंगल काफ़ी कम हुआ है। तो जंगल जो है गिलगित बल्तिस्तान में काफ़ी मौजूद है इस तरह आगे नालों में। अच्छा, बाकी गिलगित बल्तिस्तान में जंगल ना होने के बराबर है, कुछ ही जगहों में मौजूद है। तो अगर इसका भी अगर तेज़ी के साथ इस जंगल को काटा गया तो फिर वो मुकम्मल जंगल ख़त्म होगा। तो जंगल के साथ आप देख सकते हैं बेशुमार हैबिटेट मौजूद होता है यहाँ पर। माहौल के हवाले से देखा जाए, माहौल की आलूदगी को साफ़ करता है जंगल, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो देखने वाले जो नाज़रीन हैं, या इस वीडियो के थ्रू एक पैगाम ये भी देना चाहता हूँ कि अपने जंगलों की हिफाजत की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके दरख्तों को उगाना चाहिए, ताकि हम इस बायो हैबिटेट को बचा सकें और इस जंगल को हम बचा सकें। तो नाज़रीन थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो आगे चलने के बाद मैं एक आपको मनाजिर भी वहां पर दिखाऊंगा कि एक बड़ा सा मैदान है वहां पर, एक टाइम पे अच्छी खासी घास हुआ करती थी, लेकिन अभी बिल्कुल घास ख़त्म हुई है यहां पर पानी की कमी की वजह से। हालांकि एक दरिया, वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा थोड़ा आगे जाके दरिया भी दिखाने की। तो ये आप देख सकते हैं जी, ये लोग क्या करते हैं, नीचे से सर्दियों में काटते हैं। अच्छा, इसका जो रूट है, रूट को काट दिया जाता है और उसके बाद पूरी जो दरख्त है वो सूख जाती है, 6-7 महीने के अंदर पूरी दरख्त सूख जाती है। हालांकि इस ट्री की जो है, जुनीफर ट्री की जो मेच्योरिटी है, तकरीबन इसकी 20-25 साल में जाके एक ये एक बड़ी दरख्त बनती है, और मेच्योरिटी तकरीबन इसकी 20-25 साल है। तो ये हाल है जी इस जगह का,
तो हम मज़ीद थोड़ा आगे बढ़ते हैं जंगल से गुज़रते हुए। यहाँ की आब हवा काफ़ी ठंडी है इस वक्त जो है। पूरे पाकिस्तान में आपको हर जगह गर्मी गर्मी, हर जगह में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है और काफ़ी गर्मी है। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान का ये जो इलाका है, बशो वैली है, यहाँ पर काफ़ी ठंड है। अभी हवा चल रही, ठंडी हवा चल रही है और उसके साथ आप देख सकते हैं नीचे ये मैदान। तो फुर्सत के लम्हात निकाल के शहर से दूर इस जगह में लाजमी आप विज़िट करें, विज़िट करें ताकि आप बिल्कुल रिफ्रेश हो जाए, आप अपनी बॉडी को रिफ्रेश कर सकते हैं जंगलों में आके। ये आप देख सकते हैं ग्लेशियर का पानी, काफ़ी ऊपर से ये पानी आ रहा है, ये ग्लेशियर का पानी है। तो हम मज़ीद थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये आप पानी देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ख्वातीन को काम करते हुए, ये सुबह जाती हैं, सुबह फर्स्ट टाइम जाके ऊपर जो जंगल में जो लकड़ियां हैं, आज भी जंगल का बेदरे कटाव होता है। ये आप देख सकते हैं ख्वातीन, ये बेचारी बच्चियां हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, सुबह जाती हैं, सुबह फर्स्ट टाइम अजान से पहले जाके ऊपर जंगल में जाती हैं, काफ़ी चोटी पर मौजूद है, वहाँ जाके जो सूखी लकड़ियां हैं उनको जमा करके अपने घरों में ले जाती हैं और ईंधन के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो काफ़ी यहाँ विलेज जो लाइफ होती है पहाड़ों में खसूसन, काफ़ी सख्त लाइफ होती है, क्योंकि मर्द हो औरत हो यहाँ पर काम बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये यहाँ का जो मौसम जो है गिलगित बल्तिस्तान का, 6 महीने यहाँ पर बर्फ़ पड़ती है खुसूसन इस जगह की बशो वैली में, और 6 महीने यहाँ का मौसम खुशगवार रहता है। तो 6 महीने जब बर्फ़ पड़ती है तो उस टाइम बिल्कुल कोई दूसरा रास्ता नहीं होता कमाने का, और हर चीज़ हर जगह में बर्फ़ मौजूद होती है। तो जिसकी वजह से अभी से ही ये लोग इतनी मेहनत करते हैं ताकि सर्दियों के लिए अपना स्टॉक जमा कर सके। तो ये काफ़ी खूबसूरत नज़ारे आप वाइल्ड बर्ड्स के आवाज़ वगैरह भी सुन सकते हैं। तो काफ़ी व्लॉग लंबा हो रहा है, बस इस वीडियो बनाने का मकसद ये था, एक तो ये जगह दिखानी थी और इसके थ्रू एक मैसेज भी देना था कि अपने जंगलों की हिफाजत की जाए, और साथ साथ आपको ये बताना था कि आए पहाड़ों का रुख करें, एंजॉय करें, अपनी लाइफ के मसरूफियात में से कुछ लम्हात अपने लिए निकाल के जंगलों का रुख करें, पहाड़ों का रुख करें, ताकि आप पूरे साल के लिए रिफ्रेश हो जाए। तो यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, ये पत्थरों में ये आप देख सकते हैं इस किस्म की जो एलजी निकलती है, एक टाइप की एलजी है ये, और ये यहाँ पर तमाम पत्थरों पर ये एलजी निकली हुई है। इसका मतलब ये है कि जिस जगह में ज़ीरो पोल्यूशन हो उस जगह में ये एलजी निकलती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर बिल्कुल यहाँ का जो माहौल है बिल्कुल साफ़ सुथरा है, यहाँ पर ज़ीरो पोल्यूशन है, और जिसकी वजह से ये एलजी इसकी एक अलामत है। तो नेक्स्ट किसी दूसरे व्लॉग के साथ इंशाल्लाह हम मिलेंगे, तब तक के लिए आपके मेज़बान अज़हर अली को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।